दुनिया में क्यों भक्ति सताए, चाहते हैं किया पाया ये अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी के यहां महाप्रभु का अवतार हो चुका है। यज्ञ रक्षा हेतु वहां से प्रभु श्री राम जी और अनुज लक्ष्मण को मांग करके लाएंगे, यह विचार करते हुए अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, इस बहाने प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा मनोरथ जात लाग नहीं पार, कर्मजन सरयू जले गए भूप दरबार। आ गया ये अयोध्या नगर, देखता हूँ यहाँ कोई द्वारपाल कोई प्रतहारी नजर आए तो उनको महाराज को समाचार भिजवा दे। सुबह से तो बाहर हो गई, जब से हमारे महाराज जी के चार पुत्र पैदा हुए कोई आया नहीं। ओ बाबा जी आ गए हैं, चलो मिलता हूँ। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो। हुआ तो हाँ बाबा जी, एक बार और प्रणाम। आयुष्मान भो। बाबा जी आप पैदल आए हैं, कुछ खाने पीने को मंगा दूं? क्या चीज मंगा रहे हो? क्या खाइयो बताओ। हम कुछ नहीं खाते। लस्सी? हम व्रत रहते हैं हमेशा। लस्सी पी लो। क्या लस्सी? 30 रुपए की आउटी। ये लस्सी क्या है? लस्सी नहीं जानते? हम नहीं जानते। मट्ठा पी लियो। मट्ठा क्या है? शरबत बना दूं? किसका? चीनी का। हम नहीं पीते। चीनी का शरबत नहीं पीता तो कुछ बीड़ी बंडल मंगा दे। किस लिए? सुरके का। बंडलो ना पियो तो एक क्वार्टर मंगा दे। क्वार्टर क्या है? क्वार्टर माने कमरा। ये क्वार्टर नहीं, क्वार्टर माने कमरा होता है। नहीं, हमारे पास निज का आश्रम है। अच्छा अच्छा तो ठीक है महाराज, कुछ तो मंगा दो। महाराज हमारे महाराज जी का कहना है कि कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाए तो तुम्हारी सुलझा देना। आप बाबा बैरागी हो, आपको कहा चाहिए मीठा पकवान? ना, मीठा पकवान नहीं खाता। नहीं तो मीठा पकवान नहीं खाता, बिना मीठा पकवान के चौहत रास घूमत है। अच्छा मीठा पकवान न चाहिए तो का चाहिए तुम्हें? कमल अलवान। वो भी न चाहिए। कमल अलवान न चाहिए? ना, न मीठा पकवान चाहिए न कमल अलवान चाहिए तो तुम्हें का चाहिए? खेत खरियान। हमें खेत खरियान का क्या मतलब है? अच्छा यह खेत खरियान करे का हो तो दाढ़ी जटा कह कर रखाए होते। न मट्ठा दुहान चाहिए तो फिर का चाहिए तुम्हें? मट्ठा दुहान। न वो भी नहीं चाहिए तो का चाहिए? छेरी पलहान। मूर्ख कहीं के बक्ते चले जा रहे हो। ना ले ना, आपको मीठा पकवान चाहिए ना कमल अलवान चाहिए ना खेत करियान चाहिए ना मट्ठा दुहान चाहिए ना छेरी पलान चाहिए तो आपको क्या चाहिए? चट्टी बनियान। द्वारपाल हम शराब दे देंगे तुम्हें। लाओ दे दो 60 रुपए के मिलती। क्या शराब?
अरे ये श्राप नहीं, वो श्राप देंगे कि तुम भस्म हो जाओगे। बाबा इतना करना गलता हो गया। अब महाराज को सूचित करो कि सिद्ध आश्रम के रहने वाले महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ बाबा, जाओ जाओ जाओ। फिर आ गए तुम? जा रहा हूं। जाओ। इस लाइन की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर के बाद डायल करें। टू टाइम टू है। फिर से आ गए तुम? बाबा जी इसलिए आ गया कि मैं नाम भूल गया था। आपका नाम, आपके पिताजी का क्या नाम है? अरे पिताजी का नाम है श्री गाध। ओ तो आप गाध बटवारा घूमत। गाध कहे के गाध, बम्बर के, पीपल के, आम के, नीम के, जमली के कहे के गाध बटवारा। मूर्ख हो क्या? हमारे पिता श्री का नाम है श्री गाध। देखो इनके पिताजी के नाम है श्री गाध, इनके मौसी मौसिया का नाम है श्री रविकोल, मौसी का नाम है भैरव लवली। अरे मूर्ख कहेंगे। इनके बड़े भैया का नाम लाल दंत मंगल। बहुत मूर्ख मालूम पड़ते हो। चलो तो महाराज ठीक है, तुम इधर ही खड़े रहो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज प्रथम द्वार में श्री गाधी नंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो आपके दरबार में आना चाहते। क्या कहा सेवक? गाधिनंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन आज हमारी इस अयोध्या में अवश्य ही हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का उदय हो गया, अवश्य ही। बस अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने यह शुभ समाचार हमें सुनाया है, सो हम चाहते हैं तुम चलो अभी तत्परता से मुनि का स्वागत करना होगा। ऋषि बल्लाए हैं द्वारी मेरे, स्वाभिनंदन अभी करना होगा। सभी ब्रह्म मंडली को सजवा कर मौसम आज धन्य नहीं दूजा। वास्तव में आज मेरे समान कोई दूसरा धन नहीं है, क्योंकि इनके चरण कमल जहां पर पड़ जाएं ये तो विशेष सौभाग्य का विषय है। हाँ हाँ, इनका जीवन तो कोई साधारण नहीं। इस संसार में यदि द्वितीय विधाता माना गया है तो इन्हें, जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर द्वितीय सृष्टि का निर्माण कर डाला। ऐसे सृष्टि के द्वितीय विधाता को मेरा कोटानुकोट प्रणाम स्वीकार हो। हे देवता, मेरा जीवन धन्य हो गया। चरणों की धूली गुरुदेव भगवान, चरणों की धूली लेकर माथे से लगाएंगे गुरुदेव पधारे। चरणों
मेरा प्रणाम स्वीकार हो, लेकिन यह सौभाग्य केवल मैं नहीं नहीं राम लक्ष्मण चरणों में ले सुत जारी।